कोरोना महामारी के बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार हाल ही सभी स्कूल खोले गए हैं, लेकिन अब स्कूल में आने वाले छात्रों के अंदर कोरोना का डर है। जैसे छात्र छात्राएं पहले स्कूल में बेझिझक रहते थे, वहीं अब वो माहौल डर में तब्दील हो चुका है। स्कूल में अब पढ़ाई के साथ साथ कोरोना को लेकर भी अध्यापक और विद्यार्थी सतर्क नजर आते हैं। जिस कक्षा में ज्यादा स्टूडेंट हैं, उन्हें एक दिन छोड़कर एक दिन स्कूल बुलाया जा रहा है, ताकि सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा सके। हालांकि इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, बच्चों के सिलेबस पूरे नहीं हो पा रहे हैं, लिहाजा पढ़ाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई शहरों में कोरोना ने दोबारा पांव पसारे हैं। ऐसे में अध्यापक भी बच्चों को पाठ याद कराने के बजाय यही समझा रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचें। बच्चे भी डर रहे हैं, हम पढ़ाने वाले टीचर्स को भी ये डर है, मगर इस डर को खत्म करने के लिए हमने बच्चों में ये सावधानियां बरती हैं कि बच्चों को डिस्टेंस बनाए रखा है और प्रार्थना सभा पे भी कभी इकट्ठा नहीं किया और बच्चों को मास्क की कहा है और प्रथम विद्यालय में घुसने से पहले सैनिटाइजर भी बच्चों को कर रहे हैं और उनका हम उनका बुखार टेम्परेचर भी नाप रहे हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। समय समय पर कक्षाओं में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जा रही है। सैनिटाइजर का मशीन से चेक करते हैं मास्क लगा हुआ है कि नहीं है, नहीं लगा हुआ है तो उनको मास्क देते हैं और हाँ उनका टेम्परेचर नोट करते हैं और बच्चे लाइन से क्लास में जाते हैं और दूर दूर बैठते हैं सब और अपना पानी लेके आते हैं, अपना भी बच्चे सैनिटाइजर अपने खुद भी लेके आते हैं और रेस्ट में भी मतलब जब खाना खाते हैं तो दूर दूर बैठ के खाते हैं। बच्चे बिल्कुल टाइम से मतलब लाइन से जाते हैं, टॉयलेट भी जाएंगे तो एक एक करके जाएंगे और हाथ धो के आते हैं वहाँ पर साबुन से, साबुन भी है और यहाँ भी आके जो क्लास में भी आते हैं तो सैनिटाइजर लगा के ही हाथ करके बैठते हैं। कुल मिलाकर कोरोना को लेकर स्कूलों में सावधानियाँ बरती जा रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद स्कूलों का वातावरण बदल गया है। स्कूल की मस्ती गायब हो गई है और एक डर का साया हर कहीं नजर आता है। ईटीवी भारत के लिए भरतपुर से गौरव माथुर की रिपोर्ट।